to study now is the average value. What is average value? Average value जब आप general terms में पढ़ते हो तो क्या पढ़ते हो? Mean value. Mean value माने कि sum of some quantity divided by, look, average value क्या होता है? Average value होता है like sum of the quantities divided by, this is number of the quantities, पढ़ा है ना, sigma fi xi divided by sigma fi. यहाँ पे क्या होता है, xi value होता है, f क्या होता है, frequency होता है, sum of frequencies क्या देता है, total number of data देता है, और this xi gives the value of the particular data. Okay, here average value का मतलब क्या होता है, something similar like this only. How it is similar I will tell you in a moment. Before that let us go to the definition of average value. What is the definition of average value? So this, look, when you connect some DC supply to a circuit, say I have a load, और इस load में मैंने क्या किया है, इस load में मैंने डीसी सर्किट, डीसी सप्लाई कुछ दिया है, ठीक है, डीसी सप्लाई दिया है, वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स कुछ लगा दिया है, ठीक है. सो इसको मैं सिर्फ डीसी सप्लाई कह रही हूं, ये कुछ भी हो सकता है, वोल्टेज या करंट हो सकता है, ठीक है. तो क्या होगा जब आप इसको डीसी सप्लाई देते हो, तो दिस डीसी सप्लाई कॉजेज सम ट्रांसफर ऑफ चार्ज इन द सर्किट. ट्रांसफर ऑफ चार्ज मतलब करंट है ना, करंट मतलब क्या होता है, चार्ज का मोशन है ना. तो जब आप इस सर्किट को डीसी सप्लाई देते हो तो कुछ अमाउंट ऑफ क्या होता है, कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करता है. अगर आप किसी इंस्टेंट से अपना ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करो, ठीक है, और किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपको जाके रुकना है, मान लो कि किसी टाइम टी के लिए आप अपना ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, तो किसी टाइम टी में कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज यहां से फ्लो करेगा, डीसी सप्लाई से कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करेगा. अब देखो एवरेज वैल्यू का मतलब ये होता है कि अगर आप इसी सेम सर्किट से, फाइन I am removing this. अगर आप इसी सेम सर्किट में इसी सेम लोड के साथ एसी सोर्स सप्लाई कर दो, ठीक है, एसी सप्लाई दे दो यहां पे, दिस इज सम एसी सप्लाई, समझ रहे हो बात मेरी, एसी सप्लाई, तो क्या होगा, एसी सप्लाई भी कुछ ना कुछ चार्ज को ट्रांसफर करेगा. अब अगर मुझसे ये कहा जाए कि जितना टाइम टी में, ठीक है, किसी टाइम टी में जितना चार्ज इससे फ्लो हुआ, ठीक है, इस एसी क्वांटिटी का, इस डीसी क्वांटिटी का कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, है ना, कुछ वोल्ट कुछ एम्पियर, है ना, तो उतना ही टाइम में, ठीक है, उतना ही टाइम में जितना चार्ज इसमें फ्लो हुआ, सेम टाइम में उतना ही चार्ज इस सर्किट में फ्लो करने के लिए जितना एसी मैग्नीट्यूड का जरूरत होगा ना, उसको हम लोग एवरेज वैल्यू कहते हैं. आ रही है बात समझ में? डीसी सर्किट में मतलब किसी किसी सेम लोड, ये दोनों लोड क्या है, सेम है, इसको मैं लिख देती हूं, ये दोनों लोड सेम है, ठीक है, इसी लोड में डीसी सप्लाई किसी टाइम के लिए, मतलब किसी अमाउंट ऑफ टाइम के लिए डीसी सप्लाई देकर जितना चार्ज फ्लो करेगा, उतना ही चार्ज उतना ही टाइम इस सर्किट में फ्लो कराने के लिए जितना एसी क्वांटिटी का जरूरत होता है, जितना एसी क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड का जरूरत होता है, उसको हम लोग कहते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ द एसी क्वांटिटी. आई बात समझ? सेम चीज लिखा हुआ है डेफिनेशन में, ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर दैट व्हेन अ सर्किट इज कनेक्टेड अक्रॉस अ डीसी सप्लाई. सो वी टॉक्ड हियर अबाउट DC supply. When a circuit is connected across a DC supply, a number of charges are transferred to the circuit for a given time period. We are talking about some given time period, some fixed amount of time. Okay. So, a number of charges are transferred to the circuit for a given period of time. When the same circuit is connected across an AC supply to transfer the same number of charge in the same period of time, then that much quantity of AC required
इज कॉल्ड द एवरेज वैल्यू. सो एवरेज वैल्यू क्या है? एसी क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम. बात समझ में आई है? बहुत सिंपल है, बट अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे तो आपको बिल्कुल ही सेम डेफिनेशन लिखना है. फाइन, बिल्कुल ही सेम डेफिनेशन लिखना है. याद कर लो, अगर समझ गए बहुत अच्छी बात है, नहीं भी समझे तो ये रट के जाओ, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है. ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही. एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू आर आस्क्ड एवरी ईयर इन योर एग्जामिनेशन. और इसके अलावा ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू, ये तो आपको कॉम्पिटिशन का पेपर देख के पता चल जाएगा. सारे ही एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन हर साल आते हैं. ठीक है, एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए. ठीक है, तो देखो मैथमेटिकली एवरेज वैल्यू का, अच्छा एक बात मैं बताती हूँ आपको, ये देखो, दिस एवरेज वैल्यू इज बेस्ड, एवरेज वैल्यू का कॉन्सेप्ट, ठीक है, एवरेज वैल्यू का कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन किस पे है? ट्रांसफर ऑफ चार्ज पे. ठीक है, समटाइम्स इन सम ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स दे आस्क दिस पॉइंट कि एवरेज वैल्यू का कॉन्सेप्ट किस चीज पे बेस्ड है, ट्रांसफर ऑफ चार्ज, ट्रांसफर ऑफ हीट, बोथ और नन ऑफ देम. दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन आई हैव सीन इन वन एग्जामिनेशन, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस एवरेज वैल्यू का कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन ट्रांसफर ऑफ चार्ज. अब देखो मैथमेटिकली कैसे दिया जाता है, ये तो हो गई डेफिनेशन की बात. अगर एवरेज वैल्यू से न्यूमेरिकल आएगा तो कैसे सॉल्व करोगे? मान लो एग्जाम में तो थियोरेटिकल आ जाएगा, समटाइम्स न्यूमेरिकल भी आता है. ठीक है, मैंने पुरानी क्वेश्चंस में देखा है, हो सकता है आगे भी आ सकता है ना. तो देखो इसका न्यूमेरिकल कैलकुलेट करने का क्या तरीका है. सो मैथमेटिकली एवरेज वैल्यू इज गिवन एज एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू, अब रिलेट करो इसको इस फॉर्मूला से जो आप पहले से जानते हो, सम ऑफ द क्वांटिटीज बाय नंबर ऑफ द क्वांटिटीज. ओके, सो इसको रिलेट करो. हियर दिस नंबर ऑफ द क्वांटिटीज इज रिप्लेस्ड बाय टी अमाउंट ऑफ टाइम. ओके, फ्रॉम आई एम रिमूविंग दिस, आई एम सीइंग सम shortage of space, 1 by t into f of t dt. This is how the average value is given. From where to where? Here your time input is 0 to capital T. Fine. So average value, अभी देखो क्या होगा, इसको मैं कर देती हूँ box में बंद. And this formula is so important for you. क्यों? Average value calculate करने के लिए बस ये याद रखो ना, सारे questions बन जाएंगे average value के. क्या है average value? क्या होता है? Integration of the function over a period of time divided by the time period. ठीक है, तो sum of the quantities मतलब क्या होता है? Sum, अगर आपको क्वांटिटीज के जगह फंक्शन दे दिया जाए, आपने प्रोबेबिलिटी में अगर पढ़ा होगा तो आपने कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा होगा कि आपको जब डेटा की जगह डेटा फंक्शन दे दिया जाता है तो आप क्या करते हो? उसका सम करने के लिए क्या करते हो? उसको इंटीग्रेट करते हो. यहां पे भी सेम चीज करोगे. ठीक है, सम ऑफ द क्वांटिटीज का मतलब यहां पे होगा, दिस मींस हियर द इंटीग्रेशन, लिख देती हूं मैं इंटीग्रेशन, है ना, दिस इज इंटीग्रेशन. एंड नंबर ऑफ क्वांटिटीज की जगह पे यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? टाइम पीरियड. तो जितने टाइम में आपने उसको इंटीग्रेट किया है उससे डिवाइड कर दोगे तो आपका एवरेज वैल्यू निकल जाएगा. ओके, आई होप यहां तक आपको बात समझ में आ गई है. नहीं भी आई है तो अभी देखो, अभी आ जाएगी थोड़ी देर में. एक दो प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, एवरेज वैल्यू का कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्रिस्टल क्लियर. सो
एक और बात, इसको आप ये भी लिख सकते हो, इस बॉक्स को मैं थोड़ा इलोंगेट करती हूं, इसको आप लिख सकते हो एरिया अंडर द कर्व। इंटीग्रेशन मतलब होता है ना एरिया अंडर द कर्व, पता तो है आपको, बाय क्या होगा टाइम पीरियड। सेम फॉर्मूला है, उसको मैंने लैंग्वेज में लिखा है, ठीक है। समटाइम्स लैंग्वेज वाला फॉर्मूला जल्दी याद हो जाता है, ठीक है, मैथ्स देखने में नहीं लगता ना, फॉर द मैथ फियरिंग पीपल। द एवरेज वैल्यू इज गिवन एज एरिया अंडर द कर्व डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। तो आप दोनों में से कुछ भी याद रख सकते हो। तो कभी कभी क्या होगा ना कि आपको एरिया अंडर द कर्व निकालना बहुत ईजी रहेगा आपके सवाल में, ठीक है, तो उस केस में क्या करोगे आप, सीधे एरिया अंडर द कर्व निकाल के टाइम पीरियड से डिवाइड कर दोगे। और कभी कभी होगा कि आप एरिया अंडर द कर्व निकालना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, उस टाइम में क्या करोगे, फंक्शन को इंटीग्रेट कर दोगे। चलो इस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको और क्लैरिटी मिलेगी। सो लेट अस सॉल्व, आई एम रिमूविंग दिस, आई होप यू हैव कॉपीड।